सॉरी का आज तो दीजिए, आज के बाद दीजिए, पक्का काट दूंगा तेरा। मनाऊं बर्थडे ना, क्या कर रही है पूरे दिन से? आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, आज सेकंड नवरात्रि है और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, आज सेकंड नवरात्रि है तो भगवान जी की पूजा कर देती हूँ। झाड़ू पोछा सब कुछ मेरा फिनिश है, नाश्ता बाकी है तो पहले पूजा कर लेती हूँ उसके बाद नाश्ता बनाऊंगी। एमी सुबह उठ गई थी, फिर से उसको वापस से दूध दूध पिला के मैंने सुला दिया है तो वो सो गई, इसलिए मैं काम कर पा रही हूँ, नहीं तो वो रोती रहती है ना, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। और गाइज ये हमारी बाहर का व्यू काफी अच्छा है और अभी नवरात्रि चल रही है तो भगवान के मंदिर में भी लोग आते जाते रह रहे हैं। अभी कोई नहीं जा रहा, अभी जाके आऊंगी मैं नीचे। अभी अपन को नहाना बाकी है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा गंदा दिख रहे हैं। अंकिता थोड़ा अच्छा दिख रही है क्योंकि ना दो के नए कपड़े इसने पहन लिए। नए तो नहीं है मेरे कपड़े, वही पुराने वाले ही है, पर अच्छा है, मेरे पुराने होते नहीं है। इस पे चढ़ जा, तेरी हाइट अच्छी आ रही थी। अरे जैसी हूँ जैसी लगूंगी और मैं चेंज होना भी नहीं चाहती, मैं जैसी हूँ जैसी ठीक। कोई भी चीज तेरी बदल नहीं सकती ना, इसलिए आप खुश रहो, इतनी अच्छी बीवी जो मिल गई आपको। तो हाइट जैसे अंकिता इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। वो मनमोहन के हाथ नहीं आता, पहले यहाँ पे सोफे लगे हुए थे पर हमने सब कुछ चेंज कर दिया गाइस। और अंकिता ने एक बात बोली थी, हमारा हॉल है ना पहले भरा भरा दिख रहा था, अभी आपको खाली खाली दिख रहा होगा। यहाँ पे कूलर लगा दिया, दिन में हम यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। मनमोहन गाँव गया, मनमोहन ही कूलर का एंजॉय करता है, हम लोग नहीं। और ये मनमोहन वाला रूम था, उसको मैंने बना दिया हॉल रूम, बढ़िया मस्त कर दिया, टेबल लगा दी, दोनों तरफ सोफे लगा दिए। अभी अंकिता कर रही है भगवान जी की पूजा। गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह तो हमने फल फ्रूट का नाश्ता किया था और अभी बोल रहे मस्त राम जी कि कुछ हल्दी सा मेरे लिए बना दे, हेल्दी होना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें तेल वगैरह नहीं होना चाहिए। हमेशा कैसा नाश्ता बनाओ जिसमें तेल नहीं हो, तो मैंने बोला कि भाई दलिया बना लेती हूँ, दलिया और दूध खा लेते हैं। आज कुछ स्पेशल बनाते हैं क्योंकि अपने को जो कॉपी करके वीडियो बनाते हैं ना, उनके लिए दलिया वलिया बनाना आसान हो जाता है। नहीं हम किसी की कॉपी नहीं करते हैं, और हमारी हर चीज कॉपी करते हैं, हमारा टाइटल कॉपी करते हैं, हमारी हम क्या बोलते हैं वो कॉपी करते हैं, सब कुछ कॉपी होता है हमारा। बात तो सही है, बट बेस्ट ऑफ लक, आई लव यू बाबू। एमी ने कर दिए पोटी, पता नहीं करी नहीं करी एमी ने, फिलहाल बस गीला गीला किया है। हमेशा गलत सोच लेते हैं ये जब चुप होती है तो। चलो मैं दूध लेके आता हूँ, आप दलिया बनाओ। गाइस इसका नाम यम्मी है और इसका कल बर्थडे था, हमारी बेटी का नाम है यम्मी। पता नहीं चल रहा है किसका नाम यम्मी है किसका नाम यम्मी है। गाइस कल यम्मी का बर्थडे था तो ये बुलाने आई थी, पर मैं जा नहीं पाई क्योंकि यम्मी शाम को रो रही थी, खाना भी बनाया, मैं लेट हो गई थी इसलिए जा नहीं पाई। चलो कल की वजह आज हमारी तरफ से भी बर्थडे आपको। एमी ना बच्चों के साथ तो घुस रही थी लेकिन इसको कोई बड़ा लेता है ना, उसके पास नहीं जाती। अभी उसके पास तो नहीं रो रही है, देख खेल रही है मस्त। भैया हमारे तो घर के गेहूं को ही दलिया बना लेते हैं यहाँ पे। अब दलिया बन गया, मैं दूध भी लेके आ गया। गाइस एमी ब्लॉग देख रही है, इधर अंकिता दलिया बना के लेके आ गई तो मस्त दलिया खाते हैं। कितनी खुश हो रही है। तेरे लिए तो मैंने बनाया है सेब का प्योरी और मेरे लिए तरबूज काटूंगी और मस्त राम जी के लिए खरबूजा। ये बस मैच देखने में ही बिजी रहते हैं हमेशा 24 घंटे। एक कमेंट भी रहता है कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। आरसीबी, मेरी चेन्नई है। अगर एमी आरसीबी की फैन होगी तो मेरी तरफ देखेगी, चेन्नई की होगी तेरी तरफ देखेगी, ठीक है एमी। एमी 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 देखिए आप ना लालच देते हो उसको चीची करके। तू कर ले तू तेरी तरफ से। मू एमी बेटा एमी एमी एमी। कोई नहीं, लो आपका खरबूजा खा लो आप, मैं तरबूज खाऊंगी। गाइस इनको ना तरबूज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी, और मेरे को तरबूज पसंद है, इनको खरबूजा। गाइस हमारे यहाँ पे तो आज पूरा मौसम चेंज हो चुका है, ऐसा लग रहा है आंधी तूफान जैसा और बरसात आएगी सब। देखो बादल भी चेंज हो गए, इधर रोटियां, इधर नीचे रोटियां कर रखी है, इधर रोटियां कर रखी है, खाती कुछ है नहीं और चारों तरफ बिखेर रखी है। ले तू बना ले ब्लॉग, ले पकड़। आंधी बरसात ये सब चालू हो गए। क्या हो रहा है, हंस रही क्यों है? बिंदी है जो एमी ने हटाती है, हटाती रहती है, बिंदी कुछ रुकने नहीं देती है। ऐसा फील होता है जैसे मतलब ऐसे डोल वोल मजीरा वजीरा सारे अलग अलग धोनी पागल हो अलग अलग धोनी आती है उसमें ना। कितने गंदे हो। गैस निकालते है सारे कमरे को पूरे को। तू निकालती है, मैं निकालता हूँ, सही से बताई मंदिर। अभी किसने निकाले? अभी मैंने तो नहीं निकाला। यार ये चीजें भी क्या वो लोग में बना रही है, कैसा चंगे लोग। भगवान ने जो चीजें बनाई है उसमें क्या है, वो तो है जो है, सब करते हो। गाई जी बात छिड़ी है तो मैं थोड़ा सा बोल लेता हूँ इस पे, सॉरी गाई। अपन तो शर्माते की वह फाट निकालेंगे तो कोई सुनेगा ये, कभी बड़े लोगों के पास में बैठना।
जिसकी उम्र 50+ हो। कर लेते हैं यार मजाक, बोलो के अंदर क्या रखा है जिंदगी में। रोटी खाने लग गई तो खाती कम है, बिखेरती ज्यादा है। पहले अपन दूसरे के बच्चों को बोलते थे इधर वो कर, इधर वो कर, ऐसे कर वैसे कर। अब अपना बच्चा देख, खुद का देख, इधर क्या कर रखा है। हर बच्चा अपने माँ बाप को अच्छा ही लगता है चाहे वो कैसा भी हो, इसलिए दूसरे के बच्चे को टोकना नहीं चाहिए। छोरी का आज तो दीजिए, आज के बाद दीजिए, पक्का देख डीन जो गाई छोरी दी कीजिए तू तो छोटे कौन कटोरी मन ध्यान से भाई मन कौन तो फिर ध्यान से खिला इसको। सही खिला रही हूं मैं। बेचारी कैसे मुक्का मार दी गाइस पीछे से। हां मार दी मुक्का। तो शांति से पिया करना, शांति से बेवकूफ। ये पूरा गिरा दिया गाइस तेरे को। सुबह से बस यही काम नहीं था गिराने का। बेडशीट चेंज करना पड़ेगा तेरे को। चारों तरफ गिरा देती है कुछ भी। नोटिंग बाद हंस नहीं देखो तो तू यार दूर रखा कर उसको, कुछ खिलाना है तो दूर रखा कर। लेने के लिए ना ऐसे करते तो मेरी उंगली को रात को दोनों को अभी पकड़ा। अरे खा ले भाई कुछ तो खा ले। कुछ भी नहीं खा रही और देखो आप तो बोला ही मत करो। आप बोलते हो ना फिर पागल हो जाते। अंकिता मेरा नाम मत ले, एक तो तू फालतू में बोलते हो बार बार एमी। फिर उधर देखेगी, मैं इसको कुछ बोला, मैं कुछ बोला इसको है ना। हाँ। बोलने के चक्कर में उधर से घूम के इधर आने का प्रयास। अभी थोड़ी देर में पहुंचाई, पर मैंने कुछ नहीं बोला, मैं मेरे मोबाइल लगा हूं। है पर इसका तो ध्यान भटकता है ना। गाइस नहा धो के कंप्लीट हुआ हूं और आज इस शर्ट को भाई काफी टाइम बाद में पहना हूं, क्योंकि मनमोहन पहनता था इतने टाइम से इसको, तो गाँव गया तो इसको यहीं पे छोड़ गया। बाकी काफी अच्छी लग रही है शर्ट। एमी को पानी वानी पिला के नीचे जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि नीचे अंकिता की थोड़ी बहुत रील्स भी बनाएंगे एक दो। और एमी को नीचे घुमाना जरूरी है, बाहर का वातावरण इसको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिन में खराब हो गया था मौसम, लेकिन अभी फिलहाल साफ मौसम हो गया, देख लो आप। जैसे मैं गोरी तो हूं आपसे, मेरे से कंपेयर करती है गाइस, एमी से अगर कंपेयर। गाइस मैं तो इंडियन कलर वाला हूं, मेरी मम्मी बोलती है सांवला है बेटा, पक्का कलर है गाइस मेरा। लिफ्ट भी काफी ऊपर है यार, एक जा रही है एक आ रही है। जीरो दबा दो, ग्राउंड फ्लोर। एमी कहां जा रही है बेटा? एमी जब लिफ्ट के अंदर आती है ना अजीब सा लगता है इसको कि हम लोग कहां जा रहे हैं। ऊपर देखती है खाली पंखे को, दरवाजा खोल। आ जाओ बेटा। गाइज हमारे सोसाइटी का गार्डन देख लो, छोटा सा गार्डन है, अगर इसके अंदर लोन लगा दे तो और काफी अच्छा रहे बच्चों के लिए। शायद पहले थी लेकिन ये दो इसकी वजह से, झूले की वजह से निकल गई। गाइज हम कुछ दिनों पहले आए थे, मतलब 6-7 दिन का हमारा रूटीन बना था। हम घूमने आते थे ना सुबह 6 बजे, यहाँ पे भी हम जिम करते थे, वहाँ पे भी करते थे, वहाँ पे भी करते थे। पर मैंने बोला था ना आपको, मैंने कहा मस्त राम जी जब 1 मंथ कर लेंगे तब सोचूं कि भाई हाँ कर लिया। इन्होंने पहले बोला था कि मैं पूरा 1 मंथ करूंगा। तो गाइज यहाँ पे हमारी सोसाइटी में बच्चे मैच भी खेल रहे थे पीछे गार्डन के। मस्त राम जी को ना बहुत ज़्यादा शौक है मैच का, तो ही बच्चों को बॉलिंग कराने लग गए। मैंने भी खेला था, मैंने बस एक रील बनाई है। मुझे मैच का बहुत शौक है लेकिन ऐसा बचपन अब आता नहीं है ना वापस। मैं क्रिकेट खेल के आया, यम्मी और यम्मी दोनों खेलती हुई मिली है। अंकिता सहेलियों के साथ बैठी हुई है इधर। गाइज मैं बीमल की दुकान पे नौकरी करने लग गया 15,000 रुपए महीने में। अंकिता सामान लेने आए, क्या लेना है? डेरी मिल्क। डेरी मिल्क का कभी कलर भी देखा है तूने? डेरी मिल्क क्या चाहिए रजनीगंधा? ज्यादा हुआ क्या? नहीं 20 ही हुआ। अगर ज्यादा देना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी वो 20 ही। क्या कर रही है मेरी जानोड़ी यार, तो भी अकेले अकेले काम करती रहती है पूरे दिन। बेस चला रही हूँ, वो क्या दिख रहा नहीं है कि जो भाई बर्तन साफ कर रही है। तभी तो मैंने बोला कि अकेले अकेले कर रही है, मुझे बोल देते मैं। हाँ तो मतलब आपसे कराओ ऐसा, आपकी जब जरूरत होगी ना तब बोल दूंगी। मैं तो ऐसे बोल रही थी भाई जल्दी फ्री हो जाती हूँ, फिर मेरे को मेहंदी भी लगानी है कल गनगोर है ना। मेहंदी लगाने के लिए बोल रही थी, क्या हुआ मेहंदी की नहीं लगाई? अरे यार मैं इसलिए नहीं लगाई क्योंकि ऐसे भी नवरात्रि चल रही है और फिर हो सकता है कहीं एमी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए इस वजह से फिर नहीं लगाए। पहले मन था मेरा, मतलब ये भी सेम करवा चौथ जैसे ये सुहागनों का तो होता ही है, मतलब सुहाग के लिए रखते हैं शायद। पहले मन में था कि भाई लगा लो, फिर एकदम से याद आया कि भाई नहीं अभी नवरात्रि चल रही है एमी छोटे इस वजह से, फिर मैंने लगाया नहीं, मैंने कहा रहने देते हैं। पर मेहंदी लगा के तो रखा कर, जब रील्स बनाती है ना तो अच्छा लगता है हाथों में मेहंदी। वैसे तो सुहागनों को लगाना चाहिए, सुहाग की चीज अच्छी लगती है। मतलब मेरा मेहंदी का शौक है नहीं, मैं दूसरों को लगा के खुश रहती हूँ, खुद के नहीं लगाती कभी भी। गाँव में भी यही सीन था, मैं दूसरों के लगा के खुश रहती थी, दूसरे के बनाती थी। तो मैम जैसे आप दूसरों के लगाते हो तो मैंने देखा नहीं आज तक, 4 साल हो गए मेरे लगाते हुए, तो आप किसके लगाती है मेहंदी? अभी नहीं लगाते, अब देखो आपके साथ आये तब से तो किसी के नहीं लगाए, मौका ही नहीं मिला बिल्कुल भी लगाने का, मेरे खुद के मौका नहीं मिलता लगाने का। जी मैम साहब अभी आप क्या है कि थोड़ा यूं मान लीजिए बिजी रहते बिजी नहीं रहती, पर लगाओ किसके, कोई होना भी तो चाहिए। हाँ जी जी आपके हस्बैंड तो मर चुके हैं 4 साल पहले, जिंदा थोड़ी है वो। ईशान पता मत करो। तो फिर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि कोई है ही नहीं तो मैं लगाऊं किसके? मतलब लेडीज लगाते हैं, जेंट्स लगाते हैं क्या मेहंदी? किसको देखा?
मैंने देखा मेरे कोई नहीं लगाता है, पहले खूब लगाते जो थे। पागल लड़के होते हैं ना वो लगाते हैं, अब आप पागल हो। तो गाइस पागल पागल जितने भी लड़के हैं जो मेहंदी लगवाते हो कमेंट करके इसको जवाब दीजिए कि भैया मेहंदी जेंट्स लगाते हैं। पर किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं मैं बोलना नहीं चाहते, आप समझ गए। फिर किसकी कैटेगरी में आते हैं मेहंदी लगाने वाले में क्या दिक्कत है, लड़के मेहंदी नहीं लगा सकते? नहीं गवार लड़के लगाते हैं मेहंदी, कोई नहीं लगाते आजकल के जमाने वाले, वो पुराने जमाने के लगाते थे। तो पुराने जमाने के आदमी मतलब वो इंसान नहीं थे? अब ना बात को कहां से कहां ले जाते हो। तो गाइस खोर कर ये इसकी बातों पे, पुराने जमाने के लोगों को बताया इसने गवार। आप तो तेरे कंट्रोवर्सी करवा देता हूँ मैं पुराने लोगों से। मैम साहिबा मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है पहले, आप बहुत अच्छे हो। सुना मेरी बात। मैं आपकी बहुत पहले से ही मतलब फैन रहा हूँ आपका, मैं बहुत अच्छा बोलते हो, मैंने सुना है कि आप गुरु ज्ञानी भी बहुत हो। आपने तो ज्ञान के बारे में कुछ अब सुनो भी तो सही, आप ही बोले जाओ चलो। फिर आप क्या कर सकते हो मेरे लिए? मेरे को क्या करना चाहिए वो आप बोलिए। गाय जी मेरे को बोल रही है कि अभी तक नहीं, नहीं अभी मत बताओ, फिर बाद में बताएंगे। तूने वही बोला ना कि मेरे को ऊंचा एडा का सैंडल नहीं दिलाया अभी तक। हे ऊंचा एडा का सैंडल, फिर मैं तो ऐसे सुना था कि ऊंचा एडा का सैंडल नहीं दिलाया अभी तक। हिल्स वाली चप्पल ही बोल देती, ऊंचा एडा की क्या होती है। मेरे पास पड़ी है खूब, मैं हिल्स पहनती हूं वैसे। तो क्या मांगना चाहती है आप? क्या मांगू, मिल रहा है मुझे सब कुछ बस। तो फिर ठीक है, तो ठीक है गाइज आज की वार्तालाप यहीं खत्म करते हैं। अंकिता को फाइनली सब कुछ मिल रखा है, और अभी आपके बर्थडे पे कोई गिफ्ट चाहिए या नहीं चाहिए? आप ही गिफ्ट हो मेरे लिए सब कुछ। ओ गाइज तो थैंक यू सो वेरी मच, माई वाइफ इज वेरी वेरी ग्रेट मैन, वेरी वेरी ग्रेट वुमेन, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके और इनसे थोड़ा सा इंटरव्यू लेके। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते इसी छोटी सी वार्तालाप के साथ में, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कल का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही धांसू, क्योंकि कल गणगौर पूजन करने वाले हैं, तो इसको बहुत सारी पूजा वगैरह, डीजे पे नाचना डांस वगैरह सब आपको देखने को मिलेगा। अंकिता बहुत तगड़ा डांस करती है, आपको मैं कल कोशिश करूंगा कि लाइव में भी दिखाऊं और मेरे ब्लॉग के अंदर भी दिखाऊं। तो आप डांस के बारे में एक शब्द बोल दो फिर ब्लॉग का एंड कर देते हैं। आज किसी ने कमेंट भी किया था कि भाई, ये कमेंट आया था कि भाई अंकिता जी आप ना नागिन बन के डांस करो, आपका डांस वायरल होगा। ये भी बात है, मतलब तेरी कमर भी है ना जैसे, मतलब एक्शन नागिन की तरह घूमती है, तो तू एक बार करके दिखा लोगों को। नहीं सही बता रहा हूँ मैं, सच्ची बात है गाइस, ये डांस हकीकत में भाई ये जो है ऐसे कर करके जो ये ऐसे कमर हिलाती ना, वाह आई एम बिग फैन मैम। ठीक है आप छोड़ो, मेरे बर्थडे पे क्या दोगे? तेरे बर्थडे पे तूने बोला क्या? गाइस ये बदल रही है, इसने बोला कि मुझे सिर्फ तू चाहिए, तो मैं मिल रखा हूँ उसको। तो ठीक है गाइस मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। सुनो मेरी बात है ना, कल वो आंटी जी का लड़की का बर्थडे था ना, पता है वो क्या देती है? हर बार ना उसके बच्चे को ना एक तोड़ा सोना देती हूँ। अच्छा गाइस अब हम दोनों कोई बर्थडे नहीं मनाएंगे, अभी इसने एक और चीज ऐसा करके निकाली, आप समझ गए होंगे। पूरे दिन से आज इसने मेरा घर का वाट लगा रखा है। गाइस मैं ब्लॉग एंड कर देता हूँ, नहीं तो आपकी तरफ से गालियां मिलेगी मुझे। तो इसने बोला बर्थडे में गिफ्ट के लिए, तो मैं कोई गिफ्ट नहीं दूंगा ना कोई बर्थडे मनाऊंगा। मैं जितना हो सकता है अब बाहर रहने वाले रोडों पे रहने वाले लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा, और मेरी बेटी एमए का बर्थडे मनाऊंगा, इसके अलावा कुछ बर्थडे नहीं है। ठीक है गाइस बाय, ये आज मेरा मन कर रहा है उल्टी कर दूं, बट अब मैं ब्लॉग एंड कर देता हूं। ठीक है गाइस बाय, लव यू, टेक केयर।